हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको यूपीपीएससी जीआईसी के लेक्चरर के पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में विद द एक्सप्लेनेशन। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स का करा रही हूँ, उसके बाद मैं जनरल पेपर के भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, तो ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन, तो जब हमारा एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है तो वहीं पे हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को कट करता है। तो इस पॉइंट पे एपी इक्वल्स टू एमपी होता है, ठीक। ये यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सोच डिक्रीजिंग रिटर्न भी आता है, कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग तीनों आता है, तो ऑल ऑफ द एबव। ये हम जो है कि मैंने हिंदी में भी दिया है, जिसको हिंदी में देखना है वो देख सकता है। नेक्स्ट, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो है ये हो गया हमारा नन ऑफ द एबव, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में मेजर नहीं किया जाता। ये कोई मेथड नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, तो ये नॉन कोलिजियो ओलिगोपॉली से रिलेटेड है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो ये है हमारा, ये है, ये है, ये वाला नहीं है हमारा, ठीक। इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन विल बी, तो एम आर इक्वल्स टू एम सी भी होता है, ए आर इक्वल्स टू एम आर, क्योंकि पी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है, और एम आर इक्वल्स टू एम सी ये कंडीशन होता है। और हमारा जो लॉन्ग रन में फर्म मैक्सिमम आउटपुट, या बोल सकते हैं आउटपुट तब करती है जब हमारा वो मिनिमम पॉइंट ऑफ एल ए सी पे होती है तब, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, आप ये देख लीजिएगा, नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली इज, तो ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें जो है कि कोई सब्सटीट्यूशन गुड होता ही नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली जीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ मोनोपोली तो पी इज़ ग्रेटर देन एम आर होता है, तो पी को हम ए आर लिखते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। और फॉर्म रिपोर्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फाइव, एम आर टी एस ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज टू, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विल बी, तो आपको पता होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एल फॉर के का फार्मूला होता है एम पी एल डिवाइडेड बाई एम पी के, ठीक। तो यहाँ पे एम आर टी एस की वैल्यू दे रखी है दो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइव, तो यहाँ से फाइव बाई टू आ जाएगा आंसर 2.5। नेक्स्ट है हमारा वाई एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व डज नॉट टच द आउटपुट एक्सिस, तो ये हो सकता होगा ये बिकॉज ए एफ सी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ये जो है हाइपरबोला होता है और ये जो है एक्सिस को टच नहीं कर सकता। और दूसरा ये है इसका कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, वो डिक्रीजिंग होता है जैसे जैसे हमारा जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता। तो इसका यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट इज जीरो, दिस इज बिकॉज अब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। और फिर नेक्स्ट है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन देन मार्जिनल रिवेन्यू विल बी, तो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू जो होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा अगर हमारा परफेक्ट कंपटीशन में जो है, आपने ये वाला फार्मूला देखा होगा पी माइनस एम सी अपान पी, ठीक। तो ये वाले फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, जो यहाँ पे पी माइनस सी एम सी जब आपने ई निकालना होगा तो, ठीक। और ये होगा जब हमारा वन बाई ई होगा, ठीक। लर्नर इंडेक्स वाला है हमारा, वहाँ से आप करेंगे तो आ जाएगा। और इसके बारे में हम थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं। दस इट इज़ क्लियर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन द मार्जिनल रिवेन्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक। अगर हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर देन वन है तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू जो है पॉजिटिव होगा, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन है तो एम आर जीरो होगा, और फिर अगर लेस देन वन है तो एम आर निगेटिव होगा।
The pure monopolist obtain equilibrium level of output where MR equals to MC. What are the condition of price discrimination? तो कंट्रोल ऑफ सप्लाई भी होता है, सेपरेशन ऑफ मार्केट यानी दो अलग अलग मार्केट हो, ये कॉपीराइट यानी लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट इंक्लूड, तो ये जो है इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट ऑल ऑफ द एबव इसमें आ जाएगा। अंडर कूनोट मॉडल ऑफ डियोपॉली इज डियोपॉलिस अंडर इक्विलिब्रियम विल प्रोड्यूस 1/3 ऑफ टोटल आउटपुट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व अज्यूम दैट द प्राइस और कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट। ठीक, ये वाला जो हमारा होगा, और यहाँ पे मैंने जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व जो है कि जिसको हम जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके मैंने अजम्पशन दिए हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हमारा पहला कंडीशन ये वाला होता है कि अ गिवन बजट लाइन मस्ट बी टैंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी ओरिजिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये इस तरीके से होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू बी प्रोड्यूसिंग एट अ पॉइंट और इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उस तो ये वाले में ये बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि ऑल प्रोड्यूसर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जो है कि न्यू टेक्नोलॉजी। इन द सिंपल सर्कुलर फ्लो मॉडल, तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबल जो है ट्रू जाएगा, क्योंकि किसी का रिसोर्सेज सप्लायर के लिए जो होता है और किसी सप्लायर का फाइनल प्रोडक्ट जो है हाउस होल्ड के लिए होता है, तो इस तरह जो है सर्कल चलता है। नेक्स्ट, इफ अ प्रोडक्ट इज वेवलेंथ गुड, तो वेवलेंथ क्या होता है, ये कॉन्सपिशियस कंजप्शन होता है, तो यहाँ पे प्राइसेज इंक्रीज होने पे के बाद भी डिमांड इनकी इंक्रीज होती है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू होते हैं और अपोज करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। इनकम इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड इज निगेटिव इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज इंक्रीज इन प्राइस, तो अगर प्राइसेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा जो है डिमांड जो है डिक्रीज होगा। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ठीक, जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, शिफ्ट एंड डिमांड, सो प्राइसेज की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से जो है डिमांड शिफ्ट हो उसकी वजह। एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल द टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अ वेवलेंथ गुड इज अ गुड विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज, वेवलेंथ गुड्स आर टिपिकली हाई क्वालिटी गुड्स दैट आर मेड वेल आर एक्सक्लूसिव एंड आर अ स्टेटस सिंबल। मोस्ट ऑफ्टन व्हेन द प्राइस ऑफ अ वेवलेंथ गुड गोज अप द डिमांड गोज अप, व्हेन द प्राइस ऑफ वेवलेंथ गुड गोज डाउन द डिमांड गोज डाउन, यानी कि डिमांड का प्राइस से जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिक का सेटिस्फैक्शन का देखिए कि वहाँ पे जब कहाँ पे कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है तो उसको हम जो है पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, ये आपका पूछता है पेपर में। तो पॉइंट ऑफ स्टैटिस्टिक मींस एट द पॉइंट कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, टीपी और मैक्सिमम होता है और एपी हमारा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, और पॉइंट ऑफ सटाइटी इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज जीरो, दस इट इज पॉइंट वेयर सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी कमोडिटी इज जीरो। नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन वही ले चीज़ है जीरो, इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक एट ऑल पॉइंट द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल, जो आपने ये पढ़ा होगा ना एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू एम यू आई, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसे गोसेन ने दिया था, लॉ ऑफ सेकेंड गोसेन सेकेंड लॉ। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड इज इन नो पोजीशन टू रीअरेंज हिज परचेजेस। नेक्स्ट है हमारा, स्कार्सिटी इज अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट एबल टू मीट देयर इंटायर डिमांड, इफ द
prices of good increases. If the prices of good increases, then income effect. तो यहाँ पे होगा री इन्फोर्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इफ़ द गुड इज नॉर्मल. अगर नॉर्मल गुड है तो इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जो है री इन्फोर्स करता है और ऑफसेट करता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. तो ए और बी दोनों जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की. इन अ सर्कुलर फ्लो मॉडल द रियल वेरिएबल आर. तो इसमें जो है रियल वेरिएबल हमारा हो जाएगा इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल जहाँ पे वो ये वाला डी ऑप्शन डी जहाँ पे जो है चारों ओनली वो द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड द रिसोर्सेज आर यूज्ड. इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ दैट विल बी. तो इंक्रीज हो जाएगा ये वाला. एवरी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस का रिवील द सेम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ बुक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक. ये जो है जे बी से का बुक है. यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा. आप यहाँ पे देखिए अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी और द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ नोन एज ट्रीटी डी इकोनॉमिक पॉलिटिक इन फ्रेंच इज एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बुक रिटन बाई जे बी से जिन्होंने मार्केट लॉ दिया है उनका ये बुक है इन 1803. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये वाला जो है नियो कीन्सियन का जो है ये अजम्पशन है जब वो उन्होंने आर बी सी वगैरह दिया था तो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी ये सब. तो वहाँ पे जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है बाकी इधर कीन्सियन में परफेक्ट कंपटीशन होता है. परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है गस्टव कैसल ने दी थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलप कंट्री. तो डेवलप के लिए अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये तीनों होता है. नेक्स्ट आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेबलाइज द रेट ऑफ ग्रोथ फॉर डेवलप कंट्री एंड फॉर एन अंडर डेवलप कंट्री इकोनॉमी द मेन पर्पज ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सब है. वॉट इज द काज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बी ओ पी. तो ये चारों हो जाएंगे. ट्रेड डेफिसिट तो होता ही है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से जो है ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा. इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट भी इसमें जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो एम पी सी की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होती है वन से छोटी होती है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम मेथड ऑफ जी एन पी. तो हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता है. नहीं सॉरी हाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्लूड नहीं होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ सेल लॉ ऑफ मार्केट. तो सेल लॉ ऑफ मार्केट जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए होता है. द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड बिटवीन इट्स रेजिडेंट एंड रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजली अ ईयर. दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई. तो ये इन्होंने दिया था क्रॉसे. नेक्स्ट है हमारा ये आप देखिए इन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. तो सी आई जी एक्स और जेड ये इंक्लूड किया जाता है और ये स्टेटमेंट जो है वॉल्टर क्रॉसे का है. नेक्स्ट हमारा है फ्लोटिंग और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट्स आर फोर्स फ्लैक्सीबली अप्स और डाउन बाई सप्लाई एंड डिमांड द फॉर गुड्स और कैपिटल मूवमेंट. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा सैमुएलसन का है द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज मस्ट स्टैंड इसेंशियली ऑन द कोसेंट ऑफ इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ दिज करेंसी. तो ये हमारा जो दिया है ये हमारा जो है इन्होंने गस्टव कैसल ने दिया है. ठीक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक डेवलप फॉल्स द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो ये सर विलियम पेटी हैं. वेन द नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करेंट प्राइस इट इज कॉल्ड.
तो अगर करेंट प्राइस पे होता है तो ये हमारा जो है नॉमिनल इनकम के नाम से जाना जाता है और नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ GNP। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट को जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ GNP। तो ये भी यहाँ पे GDP ये वाला है जो दोबारा हो गया ये वाला हो गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज, तो ये हमारा हो गया NDP इक्वल्स टू NI माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हमारा जो हो गया 49 का बी। नेक्स्ट हो गया हाउ इज GDP एसेस्ड एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बी, जहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी फार्मूला टू कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे GDP इक्वल्स टू MP मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा। आकुला इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ इन नेशनल इनकम बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इनकम इन रियल टर्म, तो व्हेन द नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइस, तो ये रियल हो जाएगा और जो करंट होगा वो नॉमिनल हो जाएगा। व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो ये जो है हमारा मोर इलास्टिक का होता है यानी हाईली इलास्टिक का होता है। तो ये हो जाएगा 55 का क्या है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गुड ऑफ प्रोडक्ट ए वुड, तो सिर्फ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इनवर्ड, ठीक यानी कि अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 का यही, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP इज, तो यहाँ पे कैपिटल डिप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टाइप ऑफ मनी, तो लीगल टेंडर पेपर कमोडिटी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जनरली हाउ मेनी मेजर आर यूज टू मेजर द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया, तो यहाँ पे जो है 4 मेजर हैं आपके M0 M1 M2 M3। जनरली मीनिंग ऑफ मनी इज, तो जो है हमारा मीनिंग ऑफ मनी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, सी इक्वल्स टू डी मनी सप्लाई आपका। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो हो जाएगा हमारा करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर फ्लेक्सिबल टू कंट्रोल क्रेडिट, कौन सा मेथड जो है हमारा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है हमारा अच्छा है। मनी इज द पिवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, तो ये मार्शल का स्टेटमेंट है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी एंड करेंसी, तो ऑल करेंसी इज मनी बट ऑल मनी इज नॉट करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ फिजिकल मेजर टू चेक द इन्फ्लेशन, तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिक बोरोइंग, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन हम इससे चेक करते हैं, क्योंकि बोरोइंग हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट को दिखाता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एट द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि एक डिवैल्यूएशन होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट को इंक्रेज करते हैं, ओवर वैल्यूएशन में इम्पोर्ट को इंक्रेज करेंगे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एवर हो जाएगा 65 का ऑल ऑफ द एवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो जो है सेंट्रल बैंक डायरेक्टली जो है डिपॉजिट जो है पब्लिक से नहीं लेती है, ये 66 का हमारा डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम 67, लीफ कॉनन थेसिस इज एसोसिएटेड विथ, तो द थ्योरी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ये है हमारा लीफ कॉनन हाइपोथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप कंट्री, तो क्रीपिंग जो होती है रेंगती हुई जो है इन्फ्लेशन ये अच्छा होता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव, तो प्रॉस्पेरिटी। हु सेड बिजनेस साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना, तो हॉटरे ने ये स्टेटमेंट कहा था कि बिजनेस साइकिल एक प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंडिया, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये डाटा है कुछ उससे रिलेटेड जो कि उस समय के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो 72 का जो है ए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू UNDP HDR उस वक्त कितना था, तो 130 रैंक था उसका। 73 मुद्रा योजना द लिमिट ऑफ किशोर लोन इज, तो 50,000 टू 5,00,000। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द मीडियम इंडस्ट्री अंडर मैन्युफैक्चरिंग,
सेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 10 करोड़ to 30 करोड़। नेक्स्ट है हमारा, विच सेक्टर हैज लार्जेस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2017 and 18, तो इंजीनियरिंग गुड्स। एट प्रेजेंट हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे 76 का हो जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लिटरेसी रेट वॉज लोएस्ट, इन बिहार। द नंबर ऑफ महारत्न कंपनी एज ऑन अप्रैल 2018 इन इंडिया वेयर, तो 8 हो जाएगा, 79 का हो गया। वॉट आर द MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वीट फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2017-18, तो ये बी हो जाएगा। फॉर फ्रॉम विच कंट्री इंडिया गेट्स मैक्सिमम FDI इन 2016-17, तो मॉरिशस। वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बिगम जीरो इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जो कि हमारा NABARD है, हो गया 1982, जो कि शिवरामन कम्युनिटी ने बताया था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये है ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड अप टू 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस टू द पीपल फॉर द एज ग्रुप ऑफ 87, तो ये हो जाएगा हमारा सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इम्परफेक्ट कंपटीशन ऑप्टेन व्हेन द सेलर इज कन्फ्रंटेड विद अ फॉलिंग डिमांड कर्व फॉर हिज प्रोडक्ट, हू सेड, किसने कहा था, तो AP लर्नर ने ये कहा था। नेक्स्ट है हमारा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 50 आइटम इज 6.5, तो इफ एवरी आइटम इज इंक्रीज बाई 5 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको जब स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो SD में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वेरियंस में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर 6.5 होगा। कोफिशियंट ऑफ वेरियंस इज कैलकुलेटेड बाई, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा इक्वल्स डिवाइड बाई XBAR मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इंटू 4 इक्वल पार्ट इज नोन एज क्वार्टाइल, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू, तो ये इसका फार्मूला होता है R² यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जब होगा तो R = 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 - 6 σ d² तो ये जो मेथड दिया है इन्होंने, स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है ये। R = 1 - R/√n वेयर R इज, तो यहाँ पे R जो है कोरिलेशन जो है हमारा, R हमारा जो है 90, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड एरर को दिखा रहा है, आर हमारा जो है स्टैंडर्ड ईरर को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक। व्हाट विल बी द प्रोबेबल ईरर इफ द नंबर ऑफ आइटम इज 100 एंड R = ये, तो 0.962 एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। द फर्दर द टू रिग्रेशन लाइन फ्रॉम ईच अदर द ग्रेटर द कोरिलेशन विल बी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये वाला। देयर विल बी ओनली 1 रिग्रेशन लाइन इन केस ऑफ 2 वेरिएबल, तो यहाँ परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा ये वाला जो है, एक दोनों रिग्रेशन लाइन इस तरह से कोइंसाइड हो जाएंगी, ठीक, एक ही डायरेक्शन में, और ये वाला इस तरीके से हो जाएंगी। देयर विल बी ओनली 1, ये सेम है परफेक्ट, एंड इंडेक्स नंबर इज आइडियल इफ इट सेटिस्फाइड बोथ टाइम एंड फैक्टर, द चेंज इन वेरिएबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, और ये वाला जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पिरे एंड पास्चे जिसे दिया है डर्विस एंड बाउले ने, और यही सेम है। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हमारा जो है हायर देन रियल इंटरेस्ट विल बी निगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट्स आर निगेटिव वेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हायर देन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है हायर होगा नॉमिनल से, तो रेट रियल इंटरेस्ट रेट जो है हमारा निगेटिव होगा, अगर जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए जो है हमारा, अगर बैंक चार्ज कर, क्योंकि बैंक अगर चार्ज करेगा निगेटिव नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो कोई भी जो है बारो मनी को पे करने को पकड़ना होगा बारो मनी को, ठीक। अक्लासिक यहाँ पे जो है दूसरा का है। फिर इफ आगे कर इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होता है, जब आप इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसे बनेगा और फिर एक ऐसे बनेगा, ठीक।
यस एक्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सीएफडी सीएफडी, और फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये मीडियन आता है। इन अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है क्रोनोलॉजी, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।